एक्सीलेंट टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय टीम एक्सट्रीम एडवेंचर क्लब प्राइवेट लिमिटेड। इंडियाज लार्जेस्ट मोटर स्पोर्ट्स ऑफ रोड पार्क, चारगांव कार्टून रोड, नागपुर, महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं स्नेहा, एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की देश और दुनिया की टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर होगी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। वे यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। देशद्रोह कानून की वैधता को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में आईपीसी की धारा 124A को चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव कराने में देरी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस का डेलीगेशन आज चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के घर पर बुधवार को सीआईडी ने दबिश दी। यह कार्रवाई उनके बॉडीगार्ड की संदिग्ध मौत के मामले में की गई। लद्दाख में भारत और चीन की सेनाओं के बीच एक बार फिर टकराव की खबरों को आर्मी ने गलत बताया है। आर्मी ने कहा है कि इस बारे में सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स गलत है। संसद के मानसून सेशन से पहले डिफेंस कमेटी की मीटिंग में राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया। डोकलाम विवाद पर चर्चा की इजाजत न मिलने पर वे बैठक से चले गए। टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय एथलीटों का उत्साह बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय ने बुधवार को चीयर फॉर इंडिया सॉन्ग रिलीज किया। इस गाने को ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार एआर रहमान ने कंपोज किया है। युवा सिंगर अनन्या बिड़ला ने गाने को अपनी आवाज दी है। गाने का ऑफिशियल टाइटल चीयर फॉर इंडिया हिंदुस्तानी में रखा गया है। गाने के वीडियो में अलग अलग ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को दिखाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने पल्स ऑक्सीमीटर, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नेबुलाइजर, डिजिटल थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर जैसे 5 जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट की अधिकतम कीमतें तय कर दी है। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग रेगुलेटर ने इन उपकरणों को ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन के तहत लाने का फैसला किया है। इन पर डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन 70% तक सीमित रखा गया है। नई कीमतें 20 जुलाई से लागू होगी। पिछले साल उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में जुड़े एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस पर 25,000 रुपयों का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा, ऐसा दिख रहा है कि पुलिस ने अलग एफआईआर में आरोपियों के बचाने के लिए रास्ता बनाया है। दुख की बात है कि पुलिस अधिकारी अपनी जांच के दौरान संवैधानिक कर्तव्य निभाने में फेल हो गए हैं। सीएए के विरोध में पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। इसका फायदा 1 जुलाई 2021 से ही मिलेगा। इस फैसले से 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोरोना के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स का डीए बढ़ाने पर जून 2021 तक रोक लगाई गई थी। ये थी एक्सएनएन की देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक्सएनएन टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय टीम एक्सट्रीम एडवेंचर क्लब प्राइवेट लिमिटेड। इंडियाज लार्जेस्ट मोटर स्पोर्ट्स ऑफ रोड पार्क, चारगांव कार्टून रोड, नागपुर, महाराष्ट्र।